स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 16 स्टैटिस्टिक्स क्लास 11 का, जिसका स्टेटमेंट है द वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 5। 20 ऑब्जर्वेशन का जो वेरिएंस है वो 5 है। इफ़ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई 2, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन फाइंड द न्यू वेरियंस ऑफ द रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन। जो नई ऑब्जर्वेशन आई आपके 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, उसका आपको वेरियंस निकालना है। ठीक है जी, तो देखो आपको वेरियंस ऑफ एक्स, मान लो पहली ऑब्जर्वेशन एक्स है, वो कितना दे रखा है 5 और एन दे रखा है 20। अब इसने बोला व्हेन ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई बाई 2, तो लेट कर लेंगे हम लोग वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स आई, मतलब जो नया वेरिएबल है वो पहले वाले का डबल है। अब हमें वेरियंस ऑफ वाई निकालना है। ठीक है जी, तो देखो वेरियंस ऑफ वाई का फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन में एन समीशन वाई आई का स्क्वायर माइनस समीशन वाई आई अपॉन में एन का होल स्क्वायर। क्योंकि देखो वेरियंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्या होता है, 1 अपॉन में एन समीशन एक्स आई का स्क्वायर माइनस समीशन एक्स आई अपॉन में एन का स्क्वायर। आप इसकी जगह पे ऑप्शन में इसको बार भी लिख सकते हैं, मगर एक्स बार क्योंकि गिवन नहीं है तो इसलिए हमने समीशन वाई आई अपॉन में एन यूज़ किया। ठीक है, अब वेरियंस ऑफ एक्स ये है तो वेरियंस ऑफ वाई ये है, एक्स की जगह वाई लिख दिया। ठीक है, अब वाई की हमारी वैल्यू क्या है, 2xi, हम रिप्लेस करते हैं 1 अपॉन में एन समीशन 2xi का स्क्वायर माइनस समीशन 2xi अपॉन में एन का स्क्वायर। ये 1 अपॉन में समीशन स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4xi का स्क्वायर माइनस ये 2 कांस्टेंट बाहर समीशन xi अपॉन में एन का स्क्वायर, यहाँ पे 1 अपॉन में 4 बाहर समीशन xi का स्क्वायर माइनस 4 और ये समीशन xi अपॉन में एन का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये जो कांस्टेंट होता है हमेशा समीशन के बाहर हो जाता है, अगर समीशन ax है तो वो ए समीशन एक्स बन जाएगा, इसलिए हमने बार बार 2 को या 4 को बाहर लिया है। ठीक है, अब यहाँ से 4 को मान लूंगा तो आएगा 1 अपॉन में एन समीशन एक्स आई का स्क्वायर माइनस समीशन एक्स आई अपॉन में एन का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब ये जो टर्म आई है ब्रैकेट में, ये हमारे पास क्या है, वेरियंस ऑफ एक्स है, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं वेरियंस ऑफ एक्स। अब वेरियंस ऑफ एक्स की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 5, यहाँ पुट करेंगे 5 तो आ गया आपका 20 आंसर। तो वेरियंस ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन मतलब वाई इज 20। ठीक है जी, ये इसका फाइनल आंसर हो गया।